गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर वैकम कैविटी में हमने टंग, टीथ और पैलेट के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारी आगे का जो क्लास है वो क्लास है फायरिंग्स के ऊपर, तो हेडिंग दीजिए फायरिंग्स। फायरिंग्स क्या होता है? फायरिंग्स एक कॉमन पाथ होता है, आपको बचपन सिखाया जाता है, ये कॉमन पाथ ऑफ वैकम कैविटी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आप इसे समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लो हम एक फिगर समझाते हैं, कौन कौन सा पार्ट होता है, ये हो गया इसका, ये नसंग कैविटी होता, नसंग पैसेज, ये नसंग पैसेज होता है, यहां ये ओवर पैलेट होता है, और इसके ऊपर यहां पर टंग्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से हमने पढ़ाया था। और ये जो इंटरनल नेयर्स होता है इस जगह पर, ये इस तरीके से इंटरनल नेयर्स मटके होते थे जिसका नाम था इवोमा। और इधर से देखो वाक्य इसके नेक होते थे इस तरीके से। तो ये जो इसका कॉमन पाथ होता है, एक ये वाला पार्ट जो इसका कॉमन होता है, जहां पर नसंग ओपनिंग खुलता है, इंटरनल नसंग नेयर कहा जाता है इसे। ये जो नहा जहां पर नोज ओपन हो रहा है, इसे हम इस फायरिंग्स के पार्ट को एक नसो फायरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? नसो फायरिंग्स। और ये वैकम कैविटी है जिससे होकर के फूड पास करेगा। तो यहाँ का जो कैविटी है, यहाँ का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसे? ओरोफेरिंग्स। और इसके जस्ट नीचे जाओगे तो ये जो नेक वाला रीजन है, इस नेक वांगे रीजन से दो पार्ट ओपन होती है इस तरीके से। एक तेरा ओएसोफेगस होता है, ओएसोफेगस, जिसके ओपनिंग को हम लोग गमेट बोलते हैं। और एक पार्ट जो तुम्हारा ट्रैकिया होती है, इसके ओपनिंग को एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये सब के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर जब रिस्पायरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे। तो इसका जो यहाँ पर लैरिंग्स वाला एरिया होता है, है ना, ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे, इस एरिया को, ये जो एरिया होता है, इस एरिया को हम वो बोलते हैं
नारिंजो फायरिंग्स, क्या बोलते हैं नारिंजो फायरिंग्स, क्योंकि यहाँ पर नारिंग्स होती है और नारिंग्स का होने के कारण से हम यहाँ का पार्ट को नारिंजो फायरिंग्स कहें। तो फायरिंग्स कितने कैटेगरी में बांटे हम इसको, फायरिंग्स को हमने तीन कैटेगरी में बांटा, एक जहाँ पर नसंग ओपनिंग हो रहा था यह कॉमन एक पार्ट था, और जहाँ पर नसंग ओपनिंग का कॉमन पार्ट था उसे हमने बोला नसोफायरिंग्स, नसोफायरिंग्स बोला इसको। उसके नीचे हो गया तो जहाँ पर बकन कैविटी जिससे होकर के फूड पास करती है उसे हम बोलते हैं ओरोफायरिंग्स, ओरंग कैविटी है, ओरंग कैविटी होने के कारण से उसका नाम हम क्या देते हैं ओरोफायरिंग्स नाम देते हैं। तो याद रखने के लिए याद रखोगे कि सर नसंग रास्ता से ना इंटरनल लेयर्स जहाँ पर ओपन होगा, जहाँ पर ओपनिंग मिलेगा उसे हम बोलेंगे नसोफायरिंग्स, और जहाँ पर बकन कैविटी ओपन हो रहा होगा जिस पार्ट पर बकन कैविटी आकर के खून रहे होंगे उसे हम बोलेंगे क्या ओरोफायरिंग्स, और जहाँ पर से तुम्हारा क्या होगा कि ये जो नेक का हिस्सा है और जहाँ से दो ट्रैकिया एक ओसोफेगस और तुम्हारे पास ट्रैकिया आकर के ओपन हो रही है उस पार्ट को हम बोलते हैं ओसो, ये जो फायरिंग्स वाला पार्ट होता है वहाँ पर नारिंग्स प्रेजेंट होता है, नारिंग्स को जो साउंड बॉक्स होता है वो साउंड बॉक्स वहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस कारण से उसे नारिंग्सो फायरिंग्स, नारिंजो फायरिंग्स भी बोलते हैं। तो फायरिंग्स का तीन पार्ट, नसोफायरिंग्स, ओरोफायरिंग्स और नारिंगो फायरिंग्स, ये जो फायरिंग्स का तीनों पार्ट होते हैं ये कॉमन मिला करके हम एक फायरिंग्स नाम देते हैं। तो चलो हम इसमें देखते हैं कि कौन से फायरिंग्स में क्या ओपन हो रहा है। ये नसोफायरिंग्स जो है इसमें इंटरनल नेयर्स, ये जो इंटरनल नेयर्स है इसको कहते हैं है ना इंटरनल नेयर, नाक का जो अंदर का ओपनिंग होता है इसे इंटरनल नेयर्स बोला जाता है, इंटरनल नेयर्स यहाँ पर खोलते हैं ना। और इसके आगे जो तुम्हारा ओरंग कैविटी होता है बकन कैविटी खोलता है, तो ओरंग कैविटी ओपन होता है यहाँ पर ओरोफायरिंग्स में और यहाँ पर ये होता है। तो देखो हमने फायरिंग्स को क्या किया, तीन कैटेगरी में बांटा, फायरिंग्स को कितने कैटेगरी में बांटे हैं, तीन कैटेगरी में बांटे, कौन कौन तीन कैटेगरी बांटे ये देख लेना। सबसे पहले हमने कहा सर कि ये नसोफायरिंग्स होता है, क्या होता है ये नसोफायरिंग्स होता है, और ये नसोफायरिंग्स जो होता है इसमें क्या खूंटे आकर के ये जो नसोफायरिंग्स जहाँ से नोज जाकर को ओपन हुआ है उस जगह पर ओपनिंग होता है इंटरनल नेयर्स है ना, इंटरनल नेयर्स का, इंटरनल नेयर्स मतलब नाक के अंदर की जो ओपनिंग होती है वो ओपनिंग वहाँ पर जाकर घूमते हैं उसे हम क्या कहते हैं इंटरनल नेयर्स। अच्छा दूसरी बात, इसी जगह पे जहाँ पर क्या होता है नसोफायरिंग्स होता है उसी जगह पर कान के पास से ईयर के पास से दो ट्यूब आकर के घूमती है जिसे स्टैकियन ट्यूब कहते हैं, क्या कहते हैं स्टैकियन ट्यूब, जो क्या कहता है कि एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। तो स्टैकियन ट्यूब यहाँ से जब एयर जाती है उस एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर दो बोन्स नाइक एक ट्यूब नाइक का स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो ईयर के पास से आकर के यहाँ पर घूमते हैं उसे हम बोलते हैं स्टैकियन ट्यूब है ना, क्या बोलते हैं स्टैकियन ट्यूब। तो नसोफायरिंग्स में दो पार्ट आकर के घूम रहे हैं, एक है इंटरनल लेयर्स और दूसरा स्टैकियन ट्यूब। दूसरी चीज जो यहाँ पर देखें ओरोफायरिंग्स में, ये ओरोफायरिंग्स जो होता है ओरोफायरिंग्स में सिर्फ ओरंग कैविटी या बकन कैविटी आकर के ओपन होते, तो ओपन ओपन ओरंग कैविटी है ना, ओरंग कैविटी कह दो या बकन कैविटी, जो फूड वाला हिस्सा होता है ये फूड वाला हिस्सा इधर से फूड आते हैं और इसमें चला जाता है ओसोफेगस जो फूड पाइप होता है उसमें चला जाता है, और जो रिस्पायरेशन की गैसें होती है वो गैस इधर से आती है और इससे होकर के इधर चली जाती है ना, तो यहाँ पर से गैस इधर से नोज से होते हुए इधर आ जाती है और फूड वाला जो हिस्सा होता है वो इसमें आ जाता है ना। तो यहाँ से क्या होगा ओरोफायरिंग्स हो जाएगा जो क्या कहाँ ओपन होगा ओरंग कैविटी में। तीसरा जो तुम्हारे पास है वो है नारिंगोफायरिंग्स, नारिंगोफायरिंग्स, और ये जो नारिंगोफायरिंग्स होता है इसमें दो चीजें घूमती है, एक तो गंगेट, गंगेट जो क्या होता है ओसोफेजियम ओपनिंग होता है ना ओसोफेगस का होता है, और एक होता है गंगटिस, ओसो ओसोफेगस का पार्ट होता है ना, और दूसरा क्या होते हैं गंगटिस, और ये जो गंगटिस का रीजन होता है ये कैसा होता है ट्रैकियम ओपनिंग होती है। तो यहां से क्या होता है रिस्पायरेटरी रिस्पायरेशन के लिए भाई ये वाला काम होता है, और साथ में तुम्हारे पास क्या होते हैं जो बकन कैविटी होते हैं उसके पार्ट यहाँ पर आकर के ओपन होती है। तो ये मेरे पास आ गया। दूसरा चीज देखेंगे कि जो ओरोफायरिंग्स है ये जो टिश्यू से लाइनिंग होता है ना, अपने जब बकन कैविटी पढ़े थे तो बकन कैविटी में पढ़ाए थे तो वहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होती है वो होती है नॉन कैरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है, क्या
नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। वहाँ पर जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है उसमें केराटिन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसको क्या कहते थे, नॉन केराटिनाइज, दिख रहा है ये, समझते हैं, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का ये बना होता है, एपिथेलियम का ये बना होता है, इसे बोलते हैं NKSSE, शॉर्ट में बोला जाता है NKSSE। वही तुम्हारे नैरिंगोफैरिंक्स का भी निर्माण करता है। नैरिंगोफैरिंक्स में भी तुम्हारे पास क्या होते हैं, NKSSE का सेम ही जो होता है वही रहता है, मतलब सेम टाइप का एपिथेलियम टिश्यू जो ओरोफैरिंक्स में काम करते हैं वही एपिथेलियम किस में काम करता है, नैरिंगोफैरिंक्स में भी काम करता है। जबकि नसोफैरिंक्स में जो होता है ये दूसरे टाइप का एपिथेलियम काम करता है जिसे बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम यहाँ पर काम करता है, कॉम्नर एपिथेलियम, स्क्वैमस नहीं, क्या कहता है, कॉम्नर एपिथेलियम यहाँ पर होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉम्नर एपिथेलियम, जिसके कारण से क्या होते हैं, ये जो नोज वाला रीजन होता है इसमें छोटे छोटे हेयर्स माइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिसके कारण से कोई डस्ट पार्टिकल ये सबको ये फिल्टर करने का काम करता है, बोलेगा तो जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल ये सारी चीज़ें रहेगी उसे ये फिल्टर करने का काम करेगा। तो हमने यहाँ पर फायरिंग्स देखे, फायरिंग्स के आसपास आप कॉपी करें इसे, फायरिंग्स के पास ही हमें एक छोटा सा और एक टॉपिक पढ़ना, फायरिंग्स से रिलेटेड ही पढ़ना है जिसे हम बोलेंगे वांग डेयर रिंग। तो पहले आप इसे कॉपी करें फिर हम उस वांग डेयर रिंग के ऊपर बात करते हैं, आप फिगर रहने देते हैं, वांग डेयर रिंग, वांग डेयर रिंग होता क्या, वांग डेयर रिंग होता है सिंपल एक रिंग ऑफ लिम्फाइड टिश्यू, लिम्फाइड टिश्यू याद हो, लिम्फाइड टिश्यू जो लिम्फ बनाता है जिसके द्वारा किसी भी तरीके का इन्फेक्शन को रोके जाते हैं, ये एक पनिशमैन ऑफ बॉडी के रूप में भी काम करता है, एक पैथोजेनिक इफेक्ट को बचाने भी का भी काम करता है। तो वांग डेयर रिंग क्या होता है, रिंग ऑफ लिम्फाइड टिश्यू कहते हैं, रिंग ऑफ लिम्फाइड टिश्यू कहते हैं, तो जो रिंग ऑफ लिम्फोइड टिश्यू होता है इसी को हम बोलते हैं टॉन्सिल्स भी, हाँ इसको बोला कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसे, टॉन्सिल्स। तो तुम्हारे पास रिंग ऑफ लिम्फोइड टिश्यू कह दो या फिर उसको टॉन्सिल्स कह दो। अब देखो इस रिंग ऑफ लिम्फोइड टिश्यू को समझने के लिए हम एक रिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये रिंग एक है, इस रिंग का ये एक एंटेरियर रीजन है, इस एंटेरियर रीजन में सबसे पहले एक टंग आता है, तो टंग के पास याद होगा आपको, आपका जब टंग का स्ट्रक्चर इस तरीके से हमने बनाया था, याद होगा टंग आप पढ़े थे, तो ये जो हमारा रीजन होता था, ये जो होता था इसके जस्ट पीछे यहां पर क्या होते थे, यहां पर जो होता है ये एक लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, एक टॉन्सिल प्रेजेंट होता है ना, इसके इधर क्या होते थे, साइड में टेस्ट बड होता था, फिर बीच में क्या होते हैं, इधर भी टेस्ट बड होते थे और फिर बीच में भी टेस्ट बड नहीं होता, पाइप नहीं होता था। तो अब यहाँ पर भी क्या होंगे, आपके टेस्ट बड होंगे, तो ये जो इंटीरियर रीजन होता है ये टंग वाला रीजन जहाँ पर तुम्हारे लिम्फोइड टिश्यू इस तरीके से प्रेजेंट होता है, तो इस रीजन में यहाँ पर क्या होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब ये लिम्फोइड टिश्यू होता है ये किसमें प्रेजेंट है, टंग में, और जब ये टंग में प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो टंग पे प्रेजेंट लिम्फोइड टिश्यू होता है इसने टंग को बायोलॉजी में क्या कहा जाता है, लिंगुआ वोरिस कहा जाता है, इसने इसे लिंगुअम टॉन्सिल भी कहते हैं या लिंगुअम रिंग भी कहते हैं, लिंगुअम लिम्फोइड भी कहते हैं, तो लिंगुअम लिम्फोइड बोल दो या लिंगुअम टॉन्सिल बोल, टॉन्सिल सही रहेगा आपके लिए, है ना, लिंगुअम टॉन्सिल हो जाएगा ये। तो ये क्या होता है, टंग के ऊपर होता है, ये किस में रहता है, टंग का जो सर्कमफ्रेंस वेन होता था जो इसको क्या करता था, सेपरेट करने का काम करता था, तो ये टंग के पिछले हिस्सों पर क्या प्रेजेंट होते थे, एक लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता था, तो उसे लिंगुअम लिम्फोइड बोलेंगे या लिंगुअम टॉन्सिल्स बोलेंगे। इसके जस्ट पीछे जब जाते थे तो यहाँ पर देखो जहाँ पर तुम्हारा इंटरनल लेयर्स है, तो इंटरनल लेयर्स मानो इस टाइप से होता था, ये
इभोंगा जिसे बोलते थे, है ना, जिसे हम लोग इभोंगा बोलते थे। मान लो ये इभोंगा ऐसा है, तो और बना बना, मान लो इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर इभोंगा है जिसको इंटरनल नियर्स कहते हैं। यहाँ पर ये इंटरनल नियर्स है, और इस इभोंगा के पास में तुम्हें जब बक्तम कैविटी खोलोगे, माउथ जब ओपन करोगे, है ना, तो वहाँ पर एक मटका हुआ मसल्स जैसा दिखाई देगा। उसके पीछे भी क्या होते हैं, उसके दोनों तरफ में निम्फाइड टिश्यू का एक रिंग होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, तुम्हारे निम्फाइड टिश्यू यहाँ प्रेजेंट होता है इधर, और इधर भी तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ पर निम्फाइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इभोंगा के पास में। इभोंगा बताओ किसका, इंटरनल नियर्स किसका बना होता था, जो ऊपर आगे जो होता था, जब तुम अपने टंग को जब ऊपर अपर सरफेस पर जीभ को जब अपना नहीं गया, अब ऊपर से टच करके आओ पीछे तक जाओ, तो आगे में हार्ड होता था और पीछे सॉफ्ट होता था, तो सॉफ्ट पैनेट होता था, और सॉफ्ट पैनेट वाला पार्ट नीचे मटका रहता था, जिसे इभोंगा कहते हैं, है ना। तुम्हें जाओ ऐसे टंग को अंदर तक नहीं जाओ, इसको अंदर तक नहीं जाओगे तो अंदर टच होगा, वहाँ सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट पेनेटाइन, तो पैनेट बोन से बना होता था, पेनेटाइन सॉफ्ट पेनेटाइन बोन पर होता था, इसमें से कहते हैं पेनेटाइन टॉन्सिल। क्या कहते हैं इसे, पेनेटाइन टॉन्सिल, है ना, पेनेटाइन टॉन्सिल। और पेनेटाइन टॉन्सिल के बाद जब और पीछे जाओगे, है ना, तो यहाँ पर तुम्हें मिलेंगी स्ट्राइकियन ट्यूब। क्या मिलेगा तुम्हें, स्ट्राइकियन ट्यूब। तो इस जगह पर तुम्हें स्ट्राइकियन ट्यूब मिलेगा, यहाँ पे स्ट्राइकियन ट्यूब मिलेगा। इस स्ट्राइकियन ट्यूब के पास भी क्या होते हैं, यहाँ पर स्ट्राइकियन ट्यूब के आसपास भी तुम्हारे पास क्या होते हैं, टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है। जब स्ट्राइकियन ट्यूब के आसपास भी टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, इसे ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल टॉन्सिल भी बोलते हैं। तो याद हैगा, ट्यूब्यूल से याद हैगा कि स्ट्राइकियन ट्यूब के आसपास जो है ना, जो ईयर से आते हैं, ईयर के आसपास का जो टॉन्सिल्स होता है, वहाँ पर एक निम्फाइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसे ट्यूब्यूल टॉन्सिल्स भी बोला जाता है। उसके बाद सबसे पीछे चल जाओ, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, इंटरनल नियर्स है। तो यहाँ पर तुम्हारा इंटरनल नियर्स होगा, नसम ओपनिंग होगा जहाँ पर, तो यहाँ पर तेरा इंटरनल नियर्स होगा। इस इंटरनल नियर्स के आसपास भी इंटरनल नियर्स होता है, इसके आसपास भी तुम्हारा क्या होते हैं, यहाँ पर टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है, ये तरीके से, है ना, यहाँ पर भी टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है। तो यहाँ इंटरनल नियर्स है, इसके पास जो टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है, इसे नसोफेरिंजियम, नसोफेरिंग्स के पास होता है, इसमें से नसोफेरिंजियम क्या कहा जाता है, टॉन्सिल कहा जाता है। तो देखो ये टॉन्सिल्स का जो पूरा एक सेम हो गया, हमने तो इस तरीके से बनाया, सब एक दूसरे से जुड़ा था, एक रिंग का निर्माण करता है जो पूरे वक्म कैविटी को प्रोटेक्ट करता है ना। ये जो टॉन्सिल्स होते हैं, ये टॉन्सिल्स से निम्फाइड टिश्यू का बना हुआ है, जो किसी भी पैथोजेन से हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। जब किसी भी पैथोजेन से हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, तो हमारे बॉडी के लिए एक पुलिस मैन की तरह ये बिहेव करता है। तो आपको देखो कौन कौन सा पढ़ लिया आपने, सबसे पहले इंटीरियर से पोस्टेरियर की तरफ चले, इंटीरियर से आगे लिंगम टॉन्सिल जो टंग के नीचे होता है, टंग के पास होता है, है ना, उसके बाद क्या होते हैं, पेनेटाइन टॉन्सिल्स जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पेनेटाइन टॉन्सिल्स जो होता है तुम्हारा, जहाँ पर ये जाकर के सॉफ्ट पैनेट जहाँ पर आते हैं, जहाँ पर इभोंगा प्रेजेंट होता है, उस इभोंगा के पास में क्या होते हैं, वहाँ पर एक टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद तुम्हें क्या होते हैं, उससे थोड़ा सा पीछे चले जाओ, तो फिर थोड़ा सा पीछे जाओगे तो तुम्हारी स्ट्राइकियन ट्यूब आएगा, उस स्ट्राइकियन ट्यूब के पास में तुम्हें होगा तो उसे ट्यूब्यूल टॉन्सिल्स कहेंगे, और उससे पीछे चले जाओगे तो इंटरनल नेयर्स, यहाँ पर नोज ओपन हो रहे हैं उस जगह टॉन्सिल मिलेगा, तो टॉन्सिल्स का एक नेयर मिलता है, उस नेयर को ही क्या कहते हैं, वन डेयर रिंग्स कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, हम इस टॉन्सिल्स के बारे में आपको क्या कहते हैं, एक एक करके कॉपी कराते हैं, लिखाते हैं इसको, चलो करें। तो सबसे पहला है मेरे पास लिंगुअम टॉन्सिल, लिंगुअम टॉन्सिल, लिंगुअम टॉन्सिल कहाँ होता है, टंग में प्रेजेंट होता है, टंग के पास प्रेजेंट होता है ना, कहाँ प्रेजेंट है, टंग के पास। दूसरा जो मेरे पास होता है वो होता है पेनेटाइन टॉन्सिल्स, पेनेटाइन टॉन्सिल्स, ये जो पेनेटाइन टॉन्सिल्स होता है वो इभोंगा के पास होता है, सॉफ्ट पैनेट के पास, सॉफ्ट पैनेट जहाँ पर इंड होती है उस जगह पर होता है पेनेटाइन टॉन्सिल्स। जो तीसरा रीजन होता है वो तीसरा रीजन तेरे पास ट्यूब्यूल टॉन्सिल्स होता है,
ट्यूबियोमिक टॉन्सिल होते हैं, और ये जो ट्यूबियोमिक टॉन्सिल होता है वो ट्यूबियोमिक टॉन्सिल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्टैकियन ट्यूब जहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्टैकियन ट्यूब है ना, स्टैकियन ट्यूब के पास ये प्रेजेंट होता है हमारे पास क्या ट्यूबियोमिक टॉन्सिल। और स्टैकियन ट्यूब के पास से अगर पीछे जाओगे तो चौथा जो ट्यूबियम आएगा तेरे पास वो आएगा तेरे पास क्या नसोफेरिंजियम, नसोफेरिंजियम टॉन्सिल है ना, नसोफेरिंजियम टॉन्सिल। और ये जो नसोफेरिंजियम टॉन्सिल होगा ये तेरे पास इंटरनल लेयर्स के पास आएगा, नसम ओपनिंग के पास आएगा, कहाँ पर आएगा इंटरनल लेयर्स, या उसी को कहते हैं नसम ओपनिंग। तो इस नसम ओपनिंग के पास में तुम्हें क्या होता है ये फायरिंग्स प्रेजेंट होता है, कहाँ पे नसम ओपनिंग में। तो ये सब मिल करके तुम्हें क्या कहते हैं एक रिंग बनाता है, और उस रिंग को हम बोलते हैं क्या वांगडेर रिंग, या वांगडेर पेयर पैचेज भी कई जगह पर लिखा जाता है, जैसे वांगडेर रिंग्स कहते हैं। ये वांगडेर रिंग्स जो होता है एक टॉन्सिल्स बनाते हैं, और टॉन्सिल्स के कारण से हमें क्या होता है प्रोटेक्शन मिलता है। हाँ कभी कभी देखोगे जो बच्चे होते हैं ना इन चाइल्ड चाइल्ड में क्या हो जाता है इसके इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो के कारण से ये स्वयं हो जाता है ना, स्विमिंग ड्यू टू इन्फेक्शन, स्विमिंग ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण से इसमें क्या हो जाता है स्वयं हो जाता है। और जब ये स्वयं हो जाता है तो इसमें क्या होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, इसके कारण से खांसी उसी आने लगते हैं ना। तो बच्चों में क्या होता है कि ज़्यादा ठंडी चीज़ों खाने से, जैसे गर्मी में वो ठंडा चीज़ खा लिया, जब ठंडी चीज़ खा लेता है तो वहाँ पर क्या होता है उस ठंडे के कारण से वहाँ पर इन्फेक्शन जम्स बैठते हैं, जम्स के कारण से जब इन्फेक्शन होती है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है स्वयं हो जाता है। अगर सोचो ये इंटरनल लेयर्स के पास अगर स्वयं हो गया तो नसन कैविटी बंद हो जाएंगी, रिस्पायरेशन का जो जिससे तुम्हारे क्या था गैसेस आ रही थी वो गैसेस के रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, और जब गैसेस रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे तो वहाँ पर रिस्पायरेशन करने में तो प्रॉब्लम्स आएगी। तो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड यहाँ पर बात हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है ब्रीदिंग इनहिबिट होता है ना, ब्रीदिंग इनहिबिट होते हैं, ब्रीदिंग इनहिबिट के कारण से ब्रीदिंग इनहिबिट होता है, और ये ब्रीदिंग इनहिबिट के कारण से तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ये बच्चों के पास ऐसी समस्याएं आती रहती। तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक क्या वांगडेर रिंग। तो हमने वकम कैविटी से रिलेटेड आज बात कंप्लीट किया कि वकम कैविटी में क्या क्या होता है, हमने वकम कैविटी के अंदर क्या पढ़ा था टंग, हमने वकम कैविटी के अंदर क्या पढ़ा पैलेट, हमने वकम कैविटी के अंदर क्या पढ़ा टीथ, और आज हमने क्या पढ़ा यहाँ पे हमारे पास फायरिंग्स, और फायरिंग्स के अंदर वांगडेयर्स रिंग। तो इतने टाइप से हमारे पास क्या होते हैं वकम कैविटी में ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो वकम कैविटी यहाँ कंप्लीट होती है, तब तक के लिए थैंक यू, हम अगले क्लास में और भी आगे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है उसे हम लेकर के आएंगे।